गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप सबका स्वागत है आज की मीटिंग में। आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग हम सबके लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही जरूरी बिजनेस बन चुका है जो हमारी जिंदगी में, और केवल यही एक ऐसा बिजनेस है जिससे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जो अभी लॉकडाउन हुआ था कोरोना की वजह से, अभी भी हम उससे उभर नहीं पाए हैं। उसमें जो भी हमारा ट्रेडिशनल जॉब या बिजनेस था, उसमें उन्होंने दिखा दिया उस जॉब और बिजनेस में कि वो उन पे हम विश्वास नहीं कर सकते, कभी भी वो बिजनेस या जॉब हमें धोखा दे सकते हैं। इस समय काफ़ी लोग घर बैठ गए हैं, 12 साल 13 साल के ज़्यादा से एक्सपीरियंस के लोग घर बैठे हैं, प्लस काफ़ी लोगों की सैलरी कट कर दी गई है। तो इस समय हमें कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना होगा जिससे कि हम अपना भविष्य, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। देखिए, भारत को आज़ाद हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली हम फ्री नहीं हो पाए हैं। इस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही अपनाना होगा। आज आपको बताया जाए कि डिफरेंट सेगमेंट के लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा रचना शर्मा जी को, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रचना शर्मा है, मैं गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा पार्लर है, इसी के साथ साथ मैंने वेस्टी ज्वाइन किया हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगी नेटवर्क मार्केटिंग किस किस को करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। इसके बारे में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, समझता कोई नहीं है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, क्यों करना जरूरी होता है नेटवर्क मार्केटिंग को। सर आवाज लाउड है, मतलब और बोलूं? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। जी सर, आजकल लोग क्या है, सोशल नेटवर्क, सोशल साइट पे बहुत ज्यादा बिजी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कोरोना काल है, हर कोई ऑनलाइन रहता है, हर कोई बिजी है, तो सब लोग एक्टिव हैं सोशल साइट पे, सब लोग एक्टिव हैं, सब करते हैं। कुछ लोग की ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, सब लोग बिजी हैं। बहुत अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि हम अच्छे से ऑनलाइन रह करके अपना काम कर सकें, पर कुछ लोग बिजी ना होकर के भी बिजी रहते हैं। बिजी कहाँ पे है, फेसबुक पे पिक्स आती हैं लाइक करने में, अगर पसंद है तो भी, नहीं है तो भी, मतलब टाइम को यूटिलाइज नहीं करते, टाइम वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो टाइम लोग बिजी इस चीज़ में रहते हैं। टिकटॉक अब तो बैन है, टिकटॉक वीडियोस देखने में बिजी रहते हैं लोग, पबजी खेलने में बिजी रहते हैं। क्यों ना, हमें इंसान का जन्म मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, क्यों ना हम जो हमें टाइम मिला है हम उसका सदुपयोग, मतलब यूटिलाइज करें, उस टाइम को अच्छे से यूज करें, जो हमारे फ्यूचर में सिक्योर रहे, हम आगे बढ़ पाए, आगे अपने जीवन में कुछ बन पाए। तो इसी वजह से हमारी कंपनी आई है आगे नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रेस्टीज कंपनी है हमारी। ये किस किस के लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है और होना भी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। सबसे पहले मैं स्टूडेंट की बात करूं, स्टूडेंट कर सकते हैं, उनके लिए करना जरूरी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। स्टूडेंट क्यों, टीन एज में हमारे शिवम गोस्वामी हैं, पढ़ते उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, करा, इतना ग्रोथ करी, और आने वाले टाइम में आप देखो खुद को अपनी गाड़ी अपने बर्थडे पे गिफ्ट दी, ऑडी कार उन्होंने गिफ्ट करी। सब लोग कहते हैं मम्मी का गिफ्ट है, पापा का गिफ्ट है, उन्होंने अपने बलबूते पे पढ़ते पढ़ते, कोई बच्चा बल्कि पॉकेट मनी लेते हैं, पेरेंट्स लोग फीस जमा करते तब पढ़ाई होती है, वो लोग धीरे धीरे ऐसे ग्रोथ करा स्वयं गोस्वामी ने, आज इस मुकाम पे हैं कि वो लोग आगे बढ़ गए। इसमें स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, कि वो अपना आगे फ्यूचर सिक्योर करें, ऐसा नहीं इंटरेस्ट है, बस उनको पढ़ना है, एक बोला गया है कि बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है, वो पढ़ते हैं, चाहे पेरेंट्स का प्रेशर हो, चाहे अपना खुद का हो, कि फ्यूचर हमें सिक्योर करना है। क्या करना है, जॉब करनी है, बॉस का नौकर बन के रहना है, जॉब करनी है, बच्चे इसलिए पढ़ते हैं, उनको पढ़ना है, और ये टेंडेंसी हो चुकी है कि हाँ पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ाई करनी बहुत जरूरी चीज है, एजुकेशन पढ़ना चाहिए, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं कि बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है तो टीचर बनेगा, क्यों उसको टीचर बनना है, जॉब करनी है, साइंस पढ़ रहा है, जरूरी नहीं है उसका इंटरेस्ट है फिर भी पढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है, अच्छे से अपने फ्यूचर सिक्योर करना है, जॉब करनी है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है स्टूडेंट्स के लिए, हमारी जो कंपनी है
लर्न कराती है, सिखाती है वेल्थ कैसे क्रिएट करें, पैसा कैसे कमाएं, जो कि होते हैं विटामिन एम, पैसे को कैसे कमाएं, वो किसी और स्कूल में किसी और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। जैसे कि आप बीबीए ले लीजिए, उसमें क्या होता है दूसरों के बिजनेस को ग्रोथ करना कैसे सिखाया जाता है, कैसे बिल्डअप करें बिजनेस को, ये सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता कैसे बिजनेस करना है, मतलब कैसे पैसा कमाना है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है कि वेल्थ कैसे करें, पैसे को कैसे कमाया जाए। ये प्रैक्टिकली चीजें हुई हैं, करा है लोगों ने, जो भी हमारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं फॉलो किया है, तो इस प्लान को वो उन्होंने वेल्थ कमाई है, अपना सक्सेसफुल अपनी लाइफ कमाई है। इसके बाद दूसरा आता है ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है, हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, मतलब आप पर्सनली भी प्रोफेशनली भी इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, इतनी अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, हर तरह के लोग दुनिया में होते हैं। कहते हैं पांच उंगली बराबर नहीं होते, तो हर तरह के लोग अलग अलग रहते हैं। किसी का रिजर्व काइंड ऑफ नेचर होता है, कोई एक्स्ट्रोवर्ट होता है, मुंह पे बोल देने वाला होता है, कोई मन में बात को रखने वाला होता है। हर तरह के लोग होते हैं, कोई जल्दी से कन्विंस हो जाता है अगर हम किसी को प्लान दिखाते हैं, शो करते हैं, कोई टाइम लेता है, कोई जल्दी से प्लान मतलब हाँ ठीक है समझ जाता है, बाद में आके उसको वैनिश हो जाता है, नहीं समझ में आता उसको बाद में, फैमिली से डिस्कस करेंगे बात करेंगे। हर तरह के लोग होते हैं, तो इसमें ये चीजें सिखाई जाती है, ह्यूमन नेचर क्या है, लोगों के मन की बातें, मतलब लोगों को कैसे पहचानना चाहिए, ये चीजें सिखाई जाती है। क्या होता है हम किसी को प्लान सिखाते हैं दिखाते हैं तो वो लोग जल्दी से समझ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे नारियल होता है, वो हम कितना भी कोई प्रोस्पेक्ट ऐसा होता है कि हम नहीं समझा पाते, हम कोशिश बहुत करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। इसमें क्या होता है हमारे जो अपलाइन है हमारे सीनियर्स है हमें हेल्प कराते हैं, हम पूछते हैं कि हम बताते हैं उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए, हमने उनको ऐसे जवाब दिया, तो हमारी जो सीनियर्स होते हैं वो हमको हेल्प कराते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं, हमको ट्रेन कराते हैं, वो हमें सजेस्ट करते हैं, गाइडेंस करते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो इसमें हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताया जाता है, इसी के साथ साथ हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें सिखाया जाता है सेल्स और मार्केटिंग। हर चीज दुनिया में सेल होती है, एक्स वाई जेड, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर किसी भी फील्ड में हो, आप एक पेन से लेकर के एक जहाज तक को सेल करेंगे, ये आपका जॉब है, आपको करना है, तभी आप अर्न करोगे, तभी आप पैसा कमाओगे। इसमें सेल्स और मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाता है। इसके अलावा काफी सारे जिससे आपको पे करना होता है, कोर्सेज करना होते हैं, इसमें आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है सेल्स और मार्केटिंग की। आप चाहे एक पेन सेल कर रहे हो, आपको गुड्स वगैरह सेल करना है, जैसे कि प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करना है, तब आप अर्न करोगे। इवन अगर डॉक्टर है, उसने एमबीए का डॉक्टर मतलब डॉक्टर है, तब भी वो अपने एक सिग्नेचर के या फिर मेडिसिन के लिखने के पैसे मतलब वो कमाते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स हॉस्पिटल ऐसे हैं तो उन्होंने केमिस्ट्री शॉप ही कर ली है कि हमें मेडिसिन भी सेल करनी, तो हमारा बिजनेस और ग्रोथ होगा, हम अच्छे से तरह से और अर्न करेंगे। तो सेल्स का जो आइडिया है, हर कोई सेल करता है, एनीथिंग एनी एल्स जो भी है, सब प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। इवन अगर आप जॉब के लिए जाते हो, आप सीवी बनाते हो, रिज्यूम बनाते हो, तो भी आप अपनी सर्विस सेल करते हो, तो ही आपको अर्न होगा, पैसा अर्न होगा। उसी तरह से जैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स और मार्केटिंग, आप कैसे प्रोडक्ट को सेल करोगे वो टेक्निक्स फंडा बताया जाता है, आपको मार्केटिंग कैसे करनी है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ये आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। इसी के साथ साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है, ऑल ओवर पर्सनैलिटी है, इसको आपको एनहेंस कराते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाते हो ट्रेनिंग के, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जाते, तो एक्स्ट्रा पे करना होता है वहाँ पे। मैं भी गई थी, मैंने भी किया था, उसके चार्जेस अलग से होते हैं। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को ऑल ओवर चेंज किया जाता है, ग्रूम किया जाता है, एनहेंस किया जाता है। आपका बोलने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, आपका पहनने का तरीका, इसी के साथ साथ आप सोचते क्या हो, पॉजिटिवनेस जो होती है, कीप काम, किसी भी सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाता है, आपको ट्रेनिंग की जाती है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है। कुछ लोग होते हैं रिजर्व्ड होते हैं, नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि हाँ जल्दी से आप बोल देते हैं, जो मन में होता है उसको बोल, हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये आपको सिखाया जाता है। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कैसे रहें हर तरह के सिचुएशन में, वो आपको सिखाया जाता है। इस चीज में आप लोगों के जेस्चर पोस्चर आप अच्छे से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं लोगों के मन की बात भी जान, ऐसे आपको धीरे धीरे आप ग्रोथ करते हो, टीम में आगे काम करते हो, तो आप लोगों के ह्यूमन नेचर को अच्छे से पहचान पाते हो और अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव कर पाते हो। इसी के साथ साथ लर्न पब्लिक स्पीकिंग, इसमें क्या होता है, आप मान लीजिए आप किसी को माइक दे दे, 10 लोगों के सामने आप अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे, दिल दहल जाता है, लोग ना लोगों के बीच में बात नहीं कर पाते हैं। इवन अगर आप हेलो भी बोलो ना, माइक लेकर के आप हेलो बोलो, तो उसमें भी हाथ कांपने लग जाता है।
यहाँ पे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, इतनी अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, 10 नहीं 10,000 लोगों के बीच में जो आपका फोबिया होता है स्टेज को लेकर के, या हम 10,000 या 10 लोगों के बीच में बात करेंगे, अपना मैसेज कन्वे करेंगे टीम को, हम टीम को, जैसे आप मैसेज कन्वे करेंगे तो आपको डर लगता है, वो हेजिटेशन, वो स्टेज हेजिटेशन वो निकाला जाता है, वो फोबिया निकाला जाता है। आप अपनी टीम को बात कर सकते हैं, आप अपनी टीम को समझा सकते हैं, आप लोगों 10,000 लोगों के सामने लोग आपको सुनने आएंगे, आप उनको बता सकते हैं, आप अपना मैसेज दे सकते हैं, अपनी टीम को लीड कर सकते हैं, ये सब चीजें सिखाई जाती है। आप कैसे एड्रेस करोगे अपनी टीम को, ये सब चीजें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसी के साथ साथ एक लीडरशिप क्वालिटी है जो हर किसी में नहीं होती। स्कूल में आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं आगे बैठते हैं, फ्रंट बेंचर्स होते हैं, कुछ होते हैं बैक बेंचर्स। स्कूल कॉलेज में ये चीजें नहीं सिखाई जाती, कहीं भी नहीं सिखाई जाती। ये लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ यहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाई जाती है। आपको वॉलंटियर बनाया जाता है, आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होता है, आपको ऐसा लीड करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करते हैं आपके अंदर, आप आगे बढ़ के, और धीरे धीरे जब आपकी टीम बढ़ती है, आप अपनी टीम को लीड करते हो, गाइडेंस करते हो अपनी टीम को, और धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जब लीडरशिप क्वालिटी में, धीरे धीरे अगर आपकी टीम बनती है, टीम नहीं आपकी फैमिली बनती है, फैमिली मेंबर्स बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं आप हैंडल नहीं कर पाते, पर धीरे धीरे आपके जो सीनियर्स होते हैं, अपलाइन होते हैं, उनके सपोर्ट में एक फैमिली की तरह माहौल है हमारी टीम का, हमारे जो वेस्टीज का वर्ड है उसका, वो सपोर्ट करते हैं, सिचुएशन को हैंडल करना बताते हैं, टीम को कैसे गाइड करते हैं, वो चीजें सारी इसमें लीडरशिप क्वालिटी में बताया जाता है वेस्टीज में। इसी के साथ साथ सक्सेस प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि आज कैसे आप अपनी सक्सेस को, या चाहे वो पर्सनली लाइफ हो या प्रोफेशनली हो, आप कैसे सक्सेसफुल रहेंगे अपनी लाइफ में। बी पॉजिटिव, यहाँ पे एक माहौल है, कभी भी कोई नेगेटिव नहीं होता। एक टाइम होता है कि कोई भी अपना फील्ड ना छोड़ के किसी और में जाते हैं, लोग के पास बहुत पैसा कमा लिया, बहुत फ्रेंड्स है, फिर भी वो लोग अकेले हैं, नहीं उनके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि क्यों, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, वो लोग अकेलापन महसूस करते हैं। यहाँ पे क्या है कि वो सक्सेस दी जाती है, एक मेडिटेशन होता है, इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे, आपको बी पॉजिटिव, आपको एकदम कूल काम रहना होता है। यहाँ पे सक्सेसफुल के जितने मंत्रास होते हैं वो सारे आपको सिखाए जाते हैं, आप किसी भी फील्ड में आप अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं। ये जो स्टूडेंट्स की जितनी सारी हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, ये किसी और स्कूल में कॉलेज में ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं हमारे टीनेज में, जितने भी जो सीनियर्स हैं हमारे, वो उन लोगों ने सक्सेस पाई है इस फील्ड में। इसी के साथ साथ हाउस वाइफ की बात करते हैं। हाउस वाइफ चाहे क्वालिफाइड हो, एजुकेटेड हो, चाहे नॉन एजुकेटेड हो, वो लोग इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, इस चीज में, इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हाउस वाइफ पूरा घर संभालती हैं, अपना फैमिली, बच्चे, हर चीज संभालती हैं, घर संभालती हैं, मल्टीपल टास्किंग होती है करने को, सब कुछ कर सकती है, और उनके अंदर एक हेजिटेशन होती है, वो बढ़ के नहीं कर पाती, अपने आप को हमेशा डिमोटिवेट कर पाती कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ लोगों को डर रहता है कि जॉब करेंगे तो बच्चे कौन देखेगा, बच्चों का प्यार रहता है, बच्चों को कैसे देखेंगे। कुछ लोगों का ये रहता है बिजनेस करेंगे तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है हमारे वेस्टीज ने, अगर आप इसको, हमारी वेस्टीज को ज्वाइन करते हो, जो हाउस वाइफ होती है ज्वाइन करती हैं, तो सबसे पहला वर्क है पैरेलल आप काम कर सकते हो, आप अपने बच्चे फैमिली भी देख सकते हो, साथ में आप इस काम को भी कर सकते हो। ऑनलाइन के थ्रू काम करोगे आप, इसमें जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो बनाएंगे आप, मीटिंग ज्वाइन करेंगे, मीटिंग कराएंगे, लोगों को मैसेज कन्वे करेंगे, अगर प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं आप उसके बारे में बताएंगे, आप वर्क फ्रॉम होम करोगे, आप बच्चों को भी देखोगे और आप ये काम भी करोगे, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हाउस वाइफ के लिए। इसी के साथ साथ जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो आपको दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले क्या होता था, दिल्ली में, वसुंधरा में आपको ट्रेनिंग दी जाती थी। अब कोरोना काल में क्या है, आप सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग जो है, जो ऐप से जूम ऐप है उसके थ्रू, बल्कि मैं अपनी बात करूं, मैंने भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है इसी टाइम में, ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, अपने आप को ट्रेन किया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप, तो कुछ वीडियोज बनी हुई अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप उनको भी देख करके, जो भी सुटेबल टाइम है, आप जिस टाइम में फ्री हो, आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको एक पहचान मिलती है इस फील्ड में। आपको शादी से पहले आपको अपने पापा के नाम से जाना जाता है, हाँ, फिर अपनी मम्मी भाई के नाम से जाना जाता है, शादी के बाद हस्बैंड के नाम से एक पहचान होती है कि हाँ उनकी वाइफ है या उनकी बेटी है, उनका ए टू जेड जो भी है, आप एक पहचान आपकी उनके नाम से होती है। यहाँ पे क्या होता है, आपको एक पहचान आपकी खुद की एक पहचान होती है। मैं इंदु त्यागी जी का नाम लूंगी, जिनको देख करके मैं इंस्पायर हुई थी, मैंने ज्वाइन किया था, पार्लर है, हाउस वाइफ है, जब उनके हस्बैंड तैयार नहीं थे ज्वाइन कराने के लिए, उन्होंने किया, अकेले किया, उन्होंने अपने हस्बैंड को एक ऐसा टाइम आ गया, वो गाड़ी गिफ्ट की,
ऑडी कार उन्होंने गिफ्ट की अपने पैसों की, उनको देख करके मैं इंस्पायर हुई। मतलब हर तरह के लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, हाउसवाइफ भी सक्सेसफुल हैं, और आज एक ऐसा टाइम है कि वो उनके नाम से उनके हस्बैंड को जाना चाहता है, और उन्हीं के साथ साथ में वो सर भी साथ में एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो एक पहचान मिलती है। लोग दूर दूर से सुनने आते हैं आपको, आपकी एक अलग पहचान होती है। इसी के साथ साथ आप अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे जियोगे, अपने शर्तों पे जियोगे। बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है कि हाँ, ये नहीं है कि आपको उनका कहना है उनका सुनना, आप अपनी लाइफ के खुद बॉस हो, आप अपनी शर्तों पे जियोगे। इसी के साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि क्या होता है शादी से पहले बच्चे जो लड़कियां होती हैं, लेडीज होती हैं, वो हस्बैंड से पैसे मतलब पापा से जो पॉकेट मनी टाइप मांगते हैं या फिर अपने हस्बैंड से पैसे मांगते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए पैसे मांगते हैं। इसमें क्या है, आपको एक आर्थिक आजादी मिलेगी, आप खुद तो अपने आप हेल्प कर सकते हो, आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। आपके हाथ में पैसा रहता है तो सब अच्छा लगता है, विटामिन एम सबको चाहिए होता है। आप बात बात पे आप फैमिली से पैसे नहीं मांगोगे, आपके हाथ में इतना अच्छा मतलब इतना अच्छा पैसा होगा कि आप किसी का मुंह देखने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत स्वास्थ्य के लिए बिजनेस बहुत अच्छा है, तब वो घर संभाल सकती है। 1 लाख से ज्यादा एक्टिवली काम करती है जितनी लेडीज, लीडिंग लेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 1 लाख से ज्यादा हमारे वेस्टेज में है। इसी के साथ साथ तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होती, वो अपने पापा पे डिपेंड नहीं होती। बात करूंगी बिजनेसमैन के बारे में, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये बिजनेस करने के लिए। कहते हैं कि जब बिजनेस कोई छोटे से छोटा करता है, 10 से 15 से 20 लाख तक उनका इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहोगे तो। ये बिजनेस जो हम ये जो वेस्टीज है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो नो इन्वेस्टमेंट है। मैंने भी किया था 2-3 साल 4-5 साल पहले, मैंने कम से कम 8 से 9 लाख लगाए थे। एक एरिया चाहिए, प्लेस चाहिए काम करने के लिए, मोटा अमाउंट चाहिए, स्टाफ चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट है। इसी के साथ साथ आपको कोई भी चीज उधारी के लिए नहीं है। क्या होता है यहाँ पे, करना क्या है, आपको प्रोडक्ट्स हैं कैश लेना है, यूज करना है, और आगे आपको कन्वे करना है, मैसेज बताना है, प्रमोट करना है उसको, तो कोई उधारी लेने की जरूरत नहीं है। लोग ने उधार ले लेके इतने लोगों के पैसे ब्लॉक हो चुके हैं, और इस टाइम में तो हर किसी का बिजनेस ठप है। उधार क्या और क्या पैसे वाला, क्या कम पैसे वाला, सबके पैसे मतलब इस टाइम में सबके अकाउंट्स खाली हो चुके हैं, उधार करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसी के साथ साथ पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम इन द सेंस, अगर आप मेरा पार्लर है, मैंने मेरी तबीयत खराब है, मेरा मन नहीं है, अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे हस्बैंड जाके कर देंगे काम, नहीं, वो काम जब ही होगा, पैसा तभी आएगा जब मैं काम करूंगी, उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। अगर फिजिकली आप काम कर रहे हो वो एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम हमारे यहाँ पे ये है इन द सेंस, अगर आपका मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, आपको काम नहीं करना है, फिर आपको बाहर जाना है घूमने के लिए, 1 महीने तक आप नहीं काम करो कोई बात नहीं, तो भी आपको पैसिवली इनकम आएगी पर मंथ। बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है हमारे इस स्टेज का, आपको पैसिव इनकम मिलती है। इसी के साथ साथ ये जो बिजनेस है, भगवान ना करे किसी के साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो, तो ये जो बिजनेस है ऑटोमेटिकली जो नॉमिनी होते हैं उनके उनको ट्रांसफर हो जाता है। वैसे होना नहीं चाहिए, मतलब किसी को मिस हैपनिंग ना हो तो ये ट्रांसफर हो जाता है। और इन द केस अगर और कोई बिजनेस होता है, कहते हैं लोग मोहताज हो जाते हैं, लोग पहले तो पूछते, धीरे धीरे सब लोग भूल जाते हैं। इसमें क्या होता है, वो ऑटोमेटिक पर मंथ इनकम आती है। मैंने इसमें एक स्टोरी सुनी है, उसमें एक मैम की, उनको पता नहीं है पर मंथ उनको आ रही है सैलरी अकाउंट में, और उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं फिर भी आ रही है उनको सैलरी। वो कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं, आप क्यों भेज रहे हो? सर कहते हैं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको इनकम आ रही है, आपकी टीम काम कर रही है। तो और कोई बिजनेस में अगर इंटरेस्ट नहीं है, डॉक्टर है जरूर नहीं है, बच्चा डॉक्टर बने, तो ये है, ये बिजनेस ऐसा है कि आपको अगर आपको काम नहीं कर रहे हो तो भी आपको इनकम आ रही है, और जब काम करोगे तो आपको कितनी इनकम आएगी। तो एक्टिवली फिर लोग काम करते हैं तो ये आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, और ये आपका नहीं है, आपने एक पेड़ बोया है आम का, आम जरूरी नहीं है आप ही खाओ, आपकी कितनी आने वाली पीढ़ी आम खाएंगी। ऐसे ही बिजनेस, आपने बीज बोया, आपने काम किया, आपकी आने वाली कितनी पुश्ते कितनी पीढ़ी ये खाना मतलब ये बिजनेस करेंगी और आगे इनकम पाएंगी। इसी के साथ साथ ये आपको एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं, जब आप बिजनेस करते हो सबसे पहले एक होता है कि स्टाफ रखना, हेल्पिंग हैंड्स जो रहते हैं, आप अकेला तो कोई काम नहीं कर सकता, आपको चाहिए स्टाफ चाहिए, टीम चाहिए, तो उसके लिए सैलरी भी देनी होती है, और इस टाइम में तो लोगों की सैलरी का इनकम ही नहीं हो पा रही, सैलरी तो तब देंगे, तो
तो सैलरी का इसमें एम्प्लॉयज का कोई नीड नहीं है, आप इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में, इंडिया से बाहर आप अपनी शॉप खोल सकते हो, जो भी लोग रहते हैं आप कर सकते हो अपना काम एक्टिवली। इसी के साथ साथ कोई लीगल वर्क जरूरत नहीं है, आपको जीएसटी रिटर्न करना है, इनकम टैक्स करना है, बिल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झंझटबाजी नहीं है, आपको इजिली काम करना है। ये बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है अगर आप इसको करते हैं और अच्छे से सक्सेसफुल होते हैं और ग्रोथ करते हैं अपने बिजनेस को। कुछ वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है। हम अगर मेडिकल स्टोर खोलते हैं, मेडिकल स्टोर के लिए हमें बी फार्मेसी चाहिए, हमें दवाइयों की नॉलेज होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस होता है वो हमें चाहिए। अगर हम होटल मैनेजमेंट का, अगर हमें होटल में जॉब करनी है, हमें होटल मैनेजमेंट का चाहिए, हमने किया और हमें एक्सपीरियंस चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर को कोई नहीं लेता। जॉब अगर एक्सपीरियंस है, सैलरी पैकेज भी ठीक देते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो इसमें एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। इसी के साथ साथ एक होता है फायर्ड होने का, मतलब आपको, आप प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब है आपकी, आपको अगर, अब तो बहाने मिल जाते हैं लोगों के लिए, कोरोना के टाइम में लोग फायर्ड ऑलरेडी हैं, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, उनको एक बहाना चाहिए होता है कि हाँ उनको जॉब से निकालना है। एक तलवार सर पे टंगी रहती है कि कब हमको जॉब से निकाल दिया जाएगा, लोग रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। इसमें रिस्क रहता है कि आपको कभी भी जॉब से निकाल दिया जाएगा, इसमें नो, अगर आप बेस्ट चीज को ज्वाइन करते हैं इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप खुद के बॉस खुद होते हो, आपके ऊपर कोई ऐसा बॉस नहीं होता। इसी के साथ साथ सैलरी रिडक्शन का कोई चांस नहीं है इसमें, जो आप परफॉर्मेंस करते हो, जो आप काम करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। इसी के साथ साथ आपको, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ में आप पार्ट टाइम इसको कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा होता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपके काम पे फर्क पड़ता है, अगर आप साइड बिजनेस करते हो फर्क पड़ता ही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, इजिली आप जॉब भी कर सकते हो और साइड बिजनेस के तौर पर इसको कर सकते हो। और एक टाइम ऐसा आता है आपको इतनी इनकम आती है, तो जो आप जॉब की जो सैलरी होती है और आप आपकी ये इनकम देखोगे कई गुना ज्यादा होती है। और एक टाइम ऐसा आता है खुद अपनी खुशी से आप रिजाइन देते हो अपनी जॉब को। इसी के साथ साथ प्रमोशंस डिमोशंस हर कंपनी में होते हैं, हमारी कंपनी में हमेशा प्रमोशंस ही होते हैं। अगर एक बार आपने एक लेवल अचीव कर लिया, आप आगे बढ़ोगे, पीछे नहीं हटोगे, हमेशा यहाँ पे प्रमोशंस ही होते हैं, डिमोशंस कभी नहीं होते। इसी के साथ साथ ही लॉकडाउन फ्री है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, पता नहीं आने वाले टाइम में, सॉरी कोरोना के टाइम में, अभी तो कोरोना वायरस आने वाले टाइम में, भगवान न करे कोई और वायरस आ जाए, जब एक आ गया तो हो सकते हैं और भी आ सकते हैं। इसमें कोरोना के टाइम में किसी की, जितने भी वेस्टिजियंस है, किसी की इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि वो बढ़ी है, उसकी ग्रोथ ही हुई है इनकम की। तो आने वाले टाइम में क्यों ना ऐसा बिजनेस करें, ऐसा काम करें कि हमारी इनकम पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये लॉकडाउन फ्री है, हमारी सैलरी पे कोई, हमारी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ साथ बहुत जरूरी है, जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है, एक बार अगर 60 अबव, इसमें 1,00,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो 60 अबव है, फिजिकली डिसेबल हो जाते हैं, एज ज्यादा हो जाती है, फिजिकली काम ज्यादा नहीं कर पाते, उनके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोग ना एक टाइम पे आकर के, जब तो वो बिजी रहते हैं, धीरे धीरे आकर के लोग जो फैमिली में है, सब लोग नहीं है, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, इंटरेक्शन कम हो जाता है जब वो जॉब छोड़ देते हैं, घर में ही रहते हैं, बोर होते हैं, सोचते हैं बिजनेस करेंगे, उसमें भी फिजिकली बहुत स्ट्रेस रहता है, वो नहीं कर पाते। तो ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, उनको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, लोगों से बात करने का मौका मिलता है, लोग डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। इसी के साथ साथ लोगों के साथ रिलेशन बनते हैं, लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, एक फैमिली बनती है। एक बिजनेस बिल्ड, मतलब एक रिलेशन बिल्ड होता है। इसी के साथ साथ जब हमारे फंड वगैरह, जब ये फंड होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, एक टाइम पे क्या होता है, हमें बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। हर कोई ऐसा नहीं होता, पर कुछ लोग होते हैं, हमें हाथ फैलाना पड़ता है। पर अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद हेल्प कर सकते हो अपने बच्चों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, और किसी को आप खुद हेल्प कर सकते हो। ये इतना अच्छा बिजनेस है, आपको फाइनेंशली आपको मजबूत बना के रखता है, आर्थिक रूप से मजबूत बना के रखता है, चाहे आपका पीएफ फंड खत्म हो जाए, ये इनकम कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है ये। मैं ऐसे कर देती हूँ, इसमें प्रॉब्लम हो रही है बार बार।
नेक्स्ट स्लाइड से नहीं होगी, आप नेक्स्ट स्लाइड से कर दीजिए। इसके साथ साथ जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं अगर ज्वाइन करते हैं तो वो सिर्फ अपनी लाइफ चेंज नहीं करते बल्कि सर मेरी तरफ से हो रही है प्रॉब्लम। हाँ चलिए जी, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, आप एक बार देखिए करिए। हेलो जी सर, रिटायर्ड पर्सन जो होते हैं वो अपने ही नहीं दूसरों की भी लाइफ को चेंज करते हैं, सोशल एक हेल्प करते हैं दूसरों को भी, अगर आप ज्वाइन करते हैं दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं इसमें तो एक उनकी भी हेल्प हो जाती है। इसी के साथ साथ मैं बताऊंगी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये काम करता कैसे है। होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनको यूज करेंगे और आगे आप प्रमोट करेंगे। होता क्या है, जैसे कि आप यूज कर रहे हो, पर्सनली यूज कर रहे हो तो लोगों को प्रमोट कर रहे हो कि हाँ ये चीज अच्छी है। एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा है प्रोडक्ट्स, जैसा अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, आलिया, वो लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं, यूज नहीं करते, चाहे उनका डॉग भी बिस्किट ना खाए तो भी प्रमोट करते हैं और कमीशन खाते हैं। हमारे यहाँ पे हम खुद यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को, फिर बताते हैं, तब हमें वो कमीशन जो मिलता है 60% वो हमें अर्न करना, मतलब वो हमारी इनकम होती है। अब कुछ अमेजिंग फैक्ट बता देती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वर्ड में। मैं ऐसा कर रहा हूँ रचना जी, मैं शेयर कर रहा हूँ। जी सर ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड जी। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रमोशन करना होता है प्रोडक्ट्स को, आगे आप प्रमोशन करोगे, जो भी आप प्रमोशन करते हो उसका कमीशन होता है, वो आपका 60% जो कमीशन होता है वो मिलता है। बाकी एडवर्टाइजमेंट में देखें कोई भी स्लैब्स होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, आलिया भट्ट है, अजय देवगन है, किसी भी चीज के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो पर्सनली कभी यूज भी नहीं करते होंगे उन चीजों को, उनको ये भी नहीं पता होगा कि किस प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट मिला हुआ है, क्या चीज है, किस चीज से बनाया है, फिर भी वो प्रमोट करते हैं चीज को। पर हमारे यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स हम पर्सनली यूज करते हैं तो प्रमोट करते हैं, तब हमें वो कमीशन मिलता है। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है 190 बिलियन डॉलर का टर्नओवर करती है। इसमें अमेरिका जो है 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनका शेयर होता है 20%, आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ चाइना का जो है 132 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनका टर्न और उनका जो शेयर जाता है वो जाता है 19%, और आप इंडिया की बात करें तो 132 करोड़ की पॉपुलेशन है और 1% का शेयर जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ हमारे महान लीडर्स हैं, उनका कहना है इसमें, जैसे पहले मैं बता चुकी, यूएसए 32 करोड़ की पॉपुलेशन है और इनका टर्नओवर है, ये पुराना डाटा है, इसके बारे 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है। इसी के साथ साथ चाइना की बात करें तो 140 करोड़ का टर्नओवर, सॉरी पॉपुलेशन है, तो उनका टर्नओवर है 1,77,450 करोड़। और इंडिया की बात करते हैं तो 132 करोड़ की पॉपुलेशन है और टर्नओवर है 7,800 करोड़ का। ये एक स्लीपिंग जायंट है हमारी जो इंडिया है, 2025 का एक टारगेट है, इसमें बोला गया 64,500 करोड़ का टर्नओवर होगा हमारी इंडिया में। आप अच्छे से ज्वाइन करें, लोगों को समझाएं, कन्वे करें मैसेज आगे, और अच्छे से अच्छे अपनी टीम को ग्रोथ करें, अपने आप को ग्रोथ करें, बहुत अच्छा मौका है हमारे इंडिया में। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि 21वीं सदी का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट चलने वाला मतलब बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, इसको सबको करना चाहिए, वो मैन हो चाहे वुमेन हो। इसी के साथ साथ वॉरेन बफेट्स का कहना है कि 60 साल का बहुत अच्छा, 60 साल से ज्यादा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। इसमें आपको पहले कुछ लोग नेगेटिव थे, लोग नहीं समझ पाते थे पहले टाइम में, और अब लोग एक्सेप्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, बहुत अच्छी हिस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग की, और ये हर किसी को करना चाहिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। इसी के साथ साथ रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है, जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी के लोग जो होते हैं वो सिर्फ जॉब के पीछे भागते हैं। इसी के साथ साथ
बिल क्लिंटन नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट है, पास्ट में रह चुके हैं, उनका कहना है वो थैंक्स करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खुद को इतना अच्छा मौका देती है और दूसरों को आर्थिक मजबूती देने का बहुत अच्छा मौका देती है। इसी के साथ साथ बिल गेट्स का कहना है कि अगर मैं कभी भी जीरो पे आ जाता हूँ, मेरा बिजनेस शून्य हो जाता है, तो नेट मार्केटिंग को ही चुनना चाहूंगा। इन सब महान लोगों का ये कहना है, ये लोग जब इतना बिजनेस को समझ चुके हैं, तो हम लोग क्यों ना इस बिजनेस को करें और आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। 2019 का जो टर्नओवर है इंडिया में, 2.47 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर है, जो रिकॉर्ड है, और जो रैंक है हमारी वर्ल्ड में 15th रैंक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आगे हमारी हमारा जो इंडिया और अच्छे से ग्रोथ करेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बता दूं, हमारे मैनेजमेंट में है हमारे मिस्टर गौतम बालीजी, एमडी हैं, इनको 36 सालों का एक्सपीरियंस है। इन्होंने फाइजर कंपनी जो बीकासुल बनाती है उसमें, इसके अलावा काफी सारी कंपनीज में इन्होंने जॉब की है, मतलब कंपनी को ग्रोथ कराया है, बहुत अच्छे से इन्होंने ग्रोथ कराया, 36 सालों का एक्सपीरियंस है। इन्होंने कहा क्यों ना मैं अपने इंडिया में अपने लोगों को आर्थिक मजबूती दूं, एक सपना लेके चले, दो दोस्तों के साथ में आगे बढ़े। मिस्टर कन्वरवीर सिंह जी हैं, इनको 25 सालों का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में, ये आईटी संभालते हैं। इसी के साथ साथ मिस्टर दीपक सूद जी हैं, ये मार्केटिंग का काम संभालते हैं। तीनों के साथ में इन्होंने अपना वेस्टीज कंपनी चलाई, ये बहुत ही प्रोफेशनल है, इनको 86 सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत ही ऑनेस्ट बिजनेस, मतलब बहुत ही ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, बहुत ही हम्बल है, और ये रेडी टू सर्व एटीट्यूड, डाउन टू अर्थ है। आप इनसे अगर बात करेंगे, बहुत डाउन टू अर्थ है, आपको जो भी चीजें हैं अच्छे से समझाते हैं। ये आपके सपनों को पूरा करना, इनका सोच है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, ये आपके ड्रीम्स को, जो भी सपने सब देखते हैं छोटे बड़े, देखने की क्षमता होना चाहिए, देखने की सोच होनी चाहिए, सपनों को पूरा करने का वादा करते हैं। अब मैं बता दूं एमएलएम कंपनी काफी सारी, हमें वेस्टीज ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसके लिए मैं बता दूं एमएलएम कंपनी जो है ये नंबर वन कंपनी है इंडिया की। इसी के साथ साथ ये वर्ल्ड में एमएलएम कंपनी में 30th रैंक पे है और आने वाले टाइम में 15th रैंक में होगी। 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एक्टिवली जो काम करते हैं। इसी के साथ साथ ये इंडिया से बाहर, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, ओमान, बहरीन जैसे देशों में भी अच्छे से काम कर रही है, और अभी लॉकडाउन के पीरियड में गहना जैसे देश में भी हमारा एक्टिवली काम किया है। इसी के साथ साथ आने वाले टाइम में 20 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में ये काम करने वाली है। और जो टर्नओवर है अप्स एंड डाउन हर कंपनी में होते हैं, इस कंपनी में 80% की ग्रोथ ही हुई है, बल्कि उससे बढ़ के ही हुई है, घटी नहीं है, टर्नओवर जो है 80% से ज्यादा का है। इसी के साथ साथ हमारी कंपनी को सर्टिफिकेट मिले हुए हैं जैसे ISO द्वारा प्रमाणित है, इसी के साथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसिंग का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसी के साथ साथ हलाल सर्टिफिकेट है, जो दुबई जैसी कंट्रीज में यहाँ पे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर ही हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्वालिटी डिपेंड करती है तभी मिलता है, ये हमारी कंपनी को मिला हुआ है। इसी के साथ साथ ग्रेट प्लेस टू वर्क का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है हमारी कंपनी को। इसी के साथ साथ 6000 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं और साथ ही साथ 250 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर्स, जैसे कि उसमें BMW, ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गई, 250 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं। इसी के साथ साथ 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो एक्टिवली काम करते हैं और 1 लाख पर मंथ इनकम पाते हैं। और इसी के साथ 3 लाख से ज्यादा लीडिंग लेडीज हैं जो घर भी संभालती हैं, फैमिली भी संभालती है और बिजनेस को भी संभालती हैं, एक्टिवली बहुत अच्छे से काम करती है, लीडिंग लेडीज हैं। इसी के साथ साथ क्वार्टरली बुक प्रिंट होती है, किसी और कंपनी में नहीं होती है, इसमें हर 3 महीने में बहुत मोटी बुक होती है, लीडिंग लेडी बुक, इसमें पिक्चर्स और नाम रहते हैं। इसी के साथ साथ कार बुक अचीवर्स होते हैं, लग्जरी कार अचीवर्स होते हैं और साथ ही साथ वॉइस मैगजीन जो प्रिंट होती है हर 3 महीने में। इसी के साथ साथ ये बिजनेस इतना ईजिली है, हर कोई कर सकता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग देख नहीं सकते वो लोग इस बिजनेस को इजिली कर पाते हैं और पर मंथ वो 1 लाख से ज्यादा की इनकम पाते हैं। और इसी के साथ साथ जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इवन जो लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं, जो कभी स्कूल भी नहीं गए होंगे, वो भी इजिली अर्न करते हैं पर मंथ 1 लाख रुपए। ये बिजनेस इतना अच्छे से, मतलब ये प्लान इतना अच्छे से बनाया गया है, हर कोई भी बंदा इसको काम अच्छे से कर सकता है और अर्न कर सकता है।
और विजन है हमारी कंपनी ने टारगेट बनाया, अब 2020 चल रहा है, 2025 तक का जो टारगेट है कि वर्ल्ड में 10th रैंक पे आने वाली है MLM कंपनी, उनका विजन है। इसी के साथ साथ हमारी कंपनी का विजन है 20 से नहीं 50 कंट्रीज में आगे काम करने का विजन है हमारी कंपनी का। इसी के साथ साथ 20,000 से ज्यादा टर्नओवर हमारी कंपनी करेगी, 20,000 करोड़ से ज्यादा का। इसी के साथ साथ 1,00,000 कार अचीवर्स होंगे और 10,00,000 से ज्यादा इसमें लग्जरी कार अचीवर्स होंगे। ये हमारी कंपनी का विजन है आने वाले टाइम में और ये बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। अब इस चीज का प्लान बता दूं, इस चीज का प्लान ही काम करता कैसे है, आप 1 साल का टारगेट लेके चलिए, आप किसी कंपनी में अगर 5 साल भी देते हो तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, अगर 60,000 है, ज्यादा ज्यादा 1,00,000 रुपए हो जाएगी। मैं 1 साल का टाइम देते हैं, 1 साल में अगर आप ऐसे फॉलो करते हो इस प्लान को, आपने फर्स्ट मंथ में ज्वाइनिंग लगाई, एक आपने फर्स्ट मंथ में आपने ज्वाइन किया, आपने एक अंडर में एक और को ज्वाइन किया, आप हो गए 2 लोग। सेकंड मंथ में वही 2 लोगों ने एक एक को ज्वाइन किया, हो गए 4 लोग। हर मंथ में आपको एक एक को ज्वाइन करना, डुप्लीकेसी का ये काम है। आप जैसे आप एक एक को ज्वाइन करोगे वही बंदे दूसरे को ज्वाइन करेंगे, तो 12th मंथ में हो जाता है 4,096 लोग। ये 1 साल का प्लान बता रहे हैं, 1 साल में अगर आप 12th मंथ में 4,096 लोग हो जाते हैं, कमिटेड करना है कि आपको हर महीने 3,000 का प्रोडक्ट खरीदना है, 100 PV तक का आपको प्रोडक्ट खरीदना है और उसको यूज करना है। वो सब चीजें होंगी घर की जो आप पर्सनल केयर में यूज करते हैं, साबुन तेल और ये फेस वॉश वगैरह टूथपेस्ट, ये सब चीजें वही चीजें यूज करनी है। और टर्नओवर क्या होगा कंपनी का, वो होगा 1,22,078,000 और इनकम क्या होगी 7,00,000 रुपए। अच्छा मान लीजिए जरूरी नहीं है कि कुछ लोग एक्टिवली काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग 3,000 का नहीं लेंगे, 2,000 का लेंगे, इसका आप 6,000 6,00,000 लगा लो, 5,00,000 लगा लो, चलो 2,50,000 लगा लेते हैं। 1 साल में अगर 2,50,000 मिल रहे हैं तो क्या बुरा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस प्लेटफॉर्म पे। 1 साल में आपको 7,00,000 की इनकम मिलेगी। इसी के साथ साथ किसी को पेशेंस नहीं है, उनको उनका कहना है कि चलो कोई नहीं, हम थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, हमें इतना पेशेंस नहीं है। तो एक और बनाया गया है प्लान, आपने 4 महीने का प्लान बनाया है हमारी कंपनी ने, आपने एक्टिवली काम करोगे, फर्स्ट मंथ में ज्वाइन करोगे, आप जुड़े, आपने 6 लोगों को आपने डाउनलाइन आपने ज्वाइन करा दिया, अब वही 6 लोग, हम 7 लोग हो गए, 7 लोगों ने और 6 लोगों को 6 6 लोगों को जोड़ा, दूसरे महीने में हो गए 43, थर्ड मंथ में उन्हीं 6 लोगों ने 6 6 लोगों को जोड़ा 259 हो गए, 4 मंथ में 1,555 लोग हो जाते हैं। जो आपकी टीम आपकी फैमिली बन जाती है ना, 4 महीने की होती है, 1,555 मेंबर्स हो जाते हैं, टीम हो जाती है। तो ये 1,555 लोग एक्टिवली काम करते हैं और 100 PV की शॉपिंग करते हैं, जो प्रोडक्ट्स है उसको खरीदते हैं, एक्टिवली काम करते हैं 1,555 लोग, तो आपकी 5 महीने की इनकम होगी 5,00,000 रुपए, 5 महीने में 5,00,000 रुपए, क्या बुरा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोग तो इतने साल साल अपना टाइम पूरी अपनी जिंदगी एक कंपनी को दे देते हैं, कितने साल काम करते हैं, उनकी इनकम होती कितनी, ये 5 महीने में 5,00,000 की इनकम है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब ज्वाइनिंग करनी कैसे है, इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। इसी के साथ साथ आपको चाहिए कि एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, इसी के साथ साथ बैंक की पासबुक और कैंसिलेशन चेक चाहिए। हमारी कंपनी का कहना है आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। जी मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं दशा जी के लिए। थैंक यू। तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग थी जो आप सबको आज मिली। इसमें आपने देखा कि चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, लेकिन हमें नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने पहले बताया भारत आजाद तो हो गया, लेकिन आर्थिक रूप से आजादी अभी भी नहीं मिल पाई है। काफी कम लोग हैं, केवल हमारी 132 करोड़ पॉपुलेशन में से केवल 50,00,000 लोग ऐसे हैं जो 10,00,000 रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं, और काफी सारे लोग हैं जो अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। लगभग 30 करोड़ इंडियंस हैं, भारतीय हैं, जो अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रहे हैं। और इस दौरान कोरोना काल में काफी लोगों की जॉब चली गई, काफी बिजनेस ठप हो गए, जो एवरग्रीन बिजनेस समझे जाते थे, एक स्कूल का बिजनेस समझा जाता था कि स्कूल चाहे कितना भी खोल लो अच्छा चल जाएगा। अब आप सबको पता है कि क्लासेस होनी भी है, ऑनलाइन हो रही है, लेकिन फीस कब जाएगी स्कूल वालों को कोई आइडिया नहीं है। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जो हर कोई कर सकता है,
जो साबुन यूज करता हो, जो तेल यूज करता हो, जो शैम्पू यूज करता हो, सब लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। देखिए स्टूडेंट्स में एक साथ इतनी सारी चीजें कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है, यहाँ आपको सिखाया भी जाएगा और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कराया जाएगा। एज अ हाउसवाइफ को ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अब उनकी अपनी पहचान मिल सकती है। बहुत सारे यहाँ सक्सेस के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दीपाली पत्रीवाला जी हैं, मुंबई से बिलोंग करती हैं, उन्होंने एज अ हाउसवाइफ इसको शुरू किया और करते करते अब 20 लाख प्लस की इनकम ले रही हैं। जैसे मैंने इंदु त्यागी जी का एग्जाम्पल दिया था, उनका ऑलरेडी पार्लर है, पार्लर के साथ साथ उन्होंने ये किया, अब उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। प्लस एकता सहदेव जी हैं, उनको भी काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था अपनी फैमिली से, उनके हस्बैंड ने मना कर दिया था, लेकिन अब वो इतनी सक्सेसफुल हो गई कि उनके हस्बैंड भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। प्लस एज अ बिजनेसमैन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बहुत कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करें, शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस आजकल सारे बिजनेस आपको पता ही है कि उधार लेके चल, इन्वेस्टमेंट भी अगर होता है तो बैंक से लोन लेते हैं, उसी लोन के चक्कर में सब बिजनेस बर्बाद हो जाते हैं, और काफ़ी सामान उधार पे बेचा जाता है, लेकिन यहाँ पे तो उधार का कोई चक्कर ही नहीं है। प्लस ना ही किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, सरकारी विभाग का भी चक्कर नहीं है कि आपको उनको कुछ भेंट चढ़ानी है, क्योंकि यहाँ ना तो इनकम टैक्स की रिटर्न का चक्कर है, ना ही GST रिटर्न का चक्कर है। बाकी रिटायर्ड पर्सन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रिटायरमेंट की एज पे उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का मन करता है, और छोटे छोटे खर्चों के लिए अपने बच्चों पे डिपेंड होना पड़ता है, तो ये प्लेटफॉर्म उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा ये बिजनेस, कि उनको अपने बच्चों के सामने पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखिए जैसा नेटवर्क मार्केटिंग आपको ग्रूम करेगा, आपकी एक पर्सनैलिटी बना देगा, वो कोई भी बिजनेस है जॉब आपको नहीं कर सकता। यहाँ पे आप एक इस टाइप के पर्सन बन जाएंगे कि आगे आपको जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप उसको डट के सामना कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको सिखाया जाएगा कि पॉजिटिविटी में कैसे रहें, नेगेटिव चीज़ों को कैसे दूर रहें। जब ये बिजनेस आप शुरू करते हैं, आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को आप चैलेंजेस के रूप में देखिए और चैलेंजेस के रूप में फेस करिए। यहाँ पे तीन टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो ज्वाइन ही नहीं करते कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, और वो कंफर्ट जोन में निकलना नहीं चाहते, अपनी जो जॉब बिजनेस कर रहे हैं उसी में लगे रहना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो यहाँ ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन यहाँ की आने वाली मुश्किलों से घबरा जाते हैं। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो यहाँ की परेशानियों को फेस करते हैं और एक सक्सेसफुल लीडर बनते हैं। देखिए बहुत सारे यहाँ सक्सेस के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राजू गुप्ता जी हैं, जो पाँचवीं क्लास, केवल उन्होंने फिफ्थ क्लास कर रखी है, अब वो यहाँ लाखों की इनकम कमा रहे हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन है क्राउन डायरेक्टर त्रिभुवन जी, उन्होंने एज अ लेबर भी काम करा हुआ है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, सेकेंड क्लास भी पास नहीं कर पाए थे, अब जाके यहाँ लाखों रुपये की इनकम कमा रहे हैं, और अपना खुद का घर है उनका, अपने घर खुद की कोठी है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे सक्सेसफुल हैं। और एक और हमारे जो ग्रेटेस्ट अपलाइन है सिद्धार्थ सिंह जी, वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो चुके थे, उनके जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, उन्होंने 700 रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट किया था, और अब आप देख सकते हैं कि उनको उनकी इनकम है 1 करोड़ 18 लाख रुपये महीने की। तो अगर आपके सपने बड़े होंगे और आप यहाँ की प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए मुझे आशा है कि आज आपको सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। अब मैं कुछ आपके सामने कुछ लीडर्स को बुलाना चाहूँगा, जो बताएं कि वो किस फील्ड, ऑलरेडी किसी फील्ड में थे तब भी वो यहाँ क्यों आए। तो सबसे पहले माइक ऑन करना चाहूँगा शशिकांत जी का, जो एज अ स्टूडेंट है। और शशिकांत जी वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। तो आप बताइए कि आप बताइए कि एज अ स्टूडेंट आप यहाँ क्या डिफरेंस पा रहे हैं, आपके आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ बिजनेस में क्या स्कोप है। जी
सर मैंने जैसे कि देखा लॉकडाउन पीरियड में कि सारे कॉलेज स्कूल्स वगैरह बंद हैं, और जॉब जो हमारे कॉलेज में लास्ट ईयर था जिनके बच्चों को उन्हें जॉब प्लेसमेंट होने वाली थी, उन्हें प्लेसमेंट के लिए कॉलेज वालों ने मना कर दिया साफ, कंपनी वालों ने कि हम नहीं लेंगे इस टाइम पे। और जो भी कंपनी में थे भी तो उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है, और जॉब इस टाइम पे है नहीं किसी के लिए भी। और यहाँ पे ये बिजनेस जब से मैंने स्टार्ट किया है ये अभी तक रुका भी नहीं, और ना ही ये कभी फ्यूचर में रुकेगा बिजनेस। इसलिए मुझे इस बिजनेस में बहुत अच्छा लगा, और इसलिए मैं इसे पार्ट टाइम और मैं इसे अभी कर रहा हूँ कंटिन्यू। थैंक जी, बहुत अच्छा यू सर। सर। जी अब मैं माइक ऑन कराना चाहूंगा संतोष कुमार जी का। वो जॉब के साथ साथ ये बिजनेस कर रहे हैं। संतोष जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। चलिए, हो सकता है कहीं पूजा सैनी जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। ब्रॉन्स डायरेक्टर पूजा सैनी जी। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, आप भी अपने जॉब के साथ साथ ये बिजनेस कर रही हैं, तो वही आप सबसे शेयर करिए कि कैसा लग रहा है यहाँ पे। श्योर सर, जैसे कि रचना मैंने ट्रेनिंग दी सभी, जैसे चाहे स्टूडेंट्स हो, जॉब वर्कर हो या फिर हाउसवाइफ हो, सबके लिए बेस्ट है प्लेटफॉर्म ये। अब मैं बता दूं, मैं जॉब करती थी, टीचिंग लाइन में थी, टीचर थी जब बना, लेकिन कोरोना में सब पता चल गया जॉब में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि जिस चीज को ना इतने टाइम से कर रखा था, एक ट्रस्ट था कि हाँ अच्छा वो है कि हाँ हमें कुछ, हाँ अच्छा फ्यूचर सिक्योर है इसमें, लेकिन आज कोरोना ने आके सबको बता दिया जॉब क्या है क्या ना का। तो जबकि मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म था, ये प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे इतना एक तरीके से इस सिचुएशन में भी सपोर्ट किया है। वाकई सच, आज घर बैठ कर भी ना इतना अचीव कर रहे हैं, इत सब कुछ इतनी अच्छी, एक अच्छी सिक्योरिटी भी अच्छी मिल रही है यहाँ पे, और अच्छे अच्छे सिक्योरिटी के साथ अच्छी इनकम अचीव कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसी के अलावा मैं देखूँ तो शायद मैं 26 की ईयर की हूँ, लेकिन आज तक मैंने ना किसी स्ट्रेंजर से इतना नहीं बात की, हाय हेलो भी नहीं किया, और यहाँ पे आके इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस सही है। ट्रेनिंग्स वगैरह भी दे देती हूँ, यानी बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले रही हूँ, इतना जैसे जो चीज मैं जानती नहीं थी, जैसे पहले इतना वो नहीं था क्योंकि इतनी वो था नहीं नॉलेज वगैरह, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आके बहुत कुछ जानने को मिला है, यानी नॉलेज भी बहुत अच्छी बढ़ी है यहाँ पे आके। थैंक यू एवरीवन। जी बहुत अच्छा है। विश यू वेल। तो देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आपको जज्बा जज्बा अपना अच्छा रखना होगा, और एक मजबूत इरादे के साथ इस बिजनेस में टिके रहना होगा। जो टिक गया वो सफल हो जाएंगे। जो आपको भटकाने वाले काफी लोग मिलेंगे, जो आपको इधर उधर की बातें करेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन आप सफल लीडर्स की सुनिएगा, आप उन लोगों की मत सुनिएगा जो यहाँ पे सफल नहीं हो पाए। असफलता के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सफलता मिलती है। तो आप एक मजबूत इरादे के साथ यहाँ बिजनेस करिए और टिके रहिए। अगर टिके रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जाके आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, धीरे धीरे सफलता मिलती है, तो उसका पेशेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज की देखिए मीटिंग,